हाई एवरी वन आई होप यू ऑल आ फाइन इट योर प्लेसेज तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कल हमने क्या किया था हमने पढ़ा था फॉरलूप तक तो फॉरलूप अब अभी आप समझ गए होगे कि लूप्स क्या होते हैं और हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करे थे उसके ऊपर फीबुना की फिक्टोरियल और टेबल के ऊपर तो लूप्स का आपको समझ में आज चलेंगे में मैं आपको और उसके बाद ये कि कैसे हम इफ स्टेटमेंट्स फॉर स्टेटमेंट वाइल इन सबको इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं तब तो हम ये समझेंगे कि आ, देखो ये सब चीजें अलग नहीं है ये आपस में सब मिलके बनी है तभी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब तक हम ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ लेते तब तक हम कोई ढंग का प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे तो उसका रीजन क्या था कि ये सारी चीजें इतनी लिंक्ड है कि हमको ये चलानी आनी चाहिए तो आज मैं बिल्कुल बहुत बेसिक सा करवाने वाली हूँ कि इन इनको आप आपस में यूज कर कैसे सकते हो ठीक है तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज नेस्टेड फॉर लूप ये हमने लिख लिया अपना टॉपिक का नेम इसको रन करते हैं चलो स्टार्ट करते हैं मान लो आपने पिरामिड वाले क्वेश्चंस तो देखे ही होंगे ना पिरामिड वाले क्वेश्चंस में आपका क्या होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर दिया होता है और हम बोलते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो है वो आप क्रिएट करो तो मैं भी आपको वही पिरामिड वाला क्वेश्चन करवाने वाली हूं ओके तो स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि कौन सा पिरामिड स्ट्रक्चर हम लोग बनाने वाले हैं हम ये बना रहे हैं वन स्टार फिर इसी स्टार के नीचे नेक्स्ट लाइन में टू स्टार फिर नेक्स्ट लाइन में थ्री स्टार फिर नेक्स्ट लाइन में फोर स्टार एंड देन नेक्स्ट लाइन फाइव स्टार और मान लो सिक्स करना है तो सिक्स कर लो अच्छा अब इन क्वेश्चंस को हम या तो पैटर्न वाले क्वेश्चंस बोलते हैं नहीं तो पिरामिड वाले क्वेश्चंस बोलते हैं और ये आपके जो नेस्टेड लूप्स है ये उससे सबसे इजीली होते हैं और मजे की बात यह है कि इन क्वेश्चन का एक से ज्यादा आपको मोर देन सॉल्यूशन इजिली मिलेगा वैसे तो हर एक प्रॉब्लम का क्योंकि देखो जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि एक ही चीज से करी जाए उसके मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर लॉजिक ठीक है लेकिन इस प्रॉब्लम्स के तो आपको डेफिनेटली मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेंगे आप इनको सिंपल सिंपल लूप से भी कर सकते हो मल्टीपल वेरिएबल लेके नहीं तो आप नेस्टेड नेस्टेड लूप लूप से भी कर सकते हो सबसे इजी मेथड पड़ता है तो अब क्वेश्चन आता है नेस्टेड लूप होता क्या है देखो नेस्टेड का मतलब नेस्टेड इफ पढ़ा था तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ था तो नेस्टेड अगर फॉर लूप करे तो इसका मतलब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप चलता है सीधी भाषा में तो है ये मतलब ठीक है अभी जो हमारा टारगेट है वो ये वाला क्वेश्चन है तो आप डायग्राम तो समझ चुके हो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जो सबसे इजी चीज समझनी है ना वो ये है कि एक तो आपको ये देखना है कि टू थ्री फोर फाइव सिक्स कि नंबर ऑफ रोज कितनी है कितनी रोज है सिक्स रोज है ना तो आपका हमेशा जो आउटर लूप है ठीक है वो हमेशा कितनी टाइम रन करता है क्योंकि आपको दो लूप लगाने हैं ना तो लूप तो रोज तो होती है और जो आपका इनर लूप होता है ना वो नॉर्मली डिपेंड कर रहा होता है आपके आउटर लूप के ऊपर तो जैसे मैं इसका कोड पहले यहाँ लिख रही हूँ और फिर मैं आपको पूरा रन करना सिखाऊंगी कि ये चलता कैसे है तो मान लो मैं चाह रही हूँ ये सिक्स टाइम्स चले तो आप इनपुट ले सकते हो यूजर से मैं इनपुट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही मैं सीधा लूप की लाइन लिख रही हूँ फिर मैं आपको यहाँ सारा एग्जीक्यूट करना सिखाऊंगी कि वो लूप चलता कैसे ठीक है

हम उसको कहा से कहां तक चलाएंगे वन से न प्लस वन ताकि ये वन से सिक्स तक चल जाए वन से सिक्स का मतलब क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पढ़ा था कल कि इसकी ये लिस्ट बन जाएगी फिर मैंने बोला जो इनर लूप होता है वो आपको नॉर्मली किस पे डिपेंड करता है आपके आउटर लूप पे तो ये के और ये के सेम ही है ये स्मॉल में है तो मैं इसको भी स्मॉल में कर रही हूँ फॉर जेन रेंज वन से के प्लस वन अब समझना मैंने ऐसे क्यों लिखा है मैं कह रही हूँ कि एक और वेरिएबल लो जिसकी वैल्यू कहां से कहाँ तक जाए वो वैल्यू जाएगी क्योंकि देखो पहले मेरे को एक बार प्रिंट कराना है तो आई की वैल्यू क्या है One है अगली बार मुझे दो प्रिंट कराना है तो I की वैल्यू क्या Two है अगली बार मुझे तीन प्रिंट कराना है लेकिन आई की वैल्यू क्या है तीन है तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो के की वैल्यू है उतनी बार ही आपको प्रिंट कराना है ये इसका लॉजिक है कि जो के की वैल्यू है उतनी भी बार ही आपको प्रिंट कराना है लेकिन प्रॉब्लम क्या है अगर आप सिर्फ सिंगल लूप से करते हो तो सिंगल लूप से ये क्या होगा एक लाइन में आंसर आ जाएगा पहले एक बार वन फिर स्पेस देके फिर स्पेस देके थ्री ठीक है अभी मैं वो भी बताऊंगी कि वो क्यों नहीं कर रहे इसी वजह से हम क्या करेंगे इसको अः अगर इस पिरामिड फॉर्म में बनाना है तो हमको रो और कॉलम क्योंकि दो इसकी डायमेंशन बन रही है तो इसलिए लूप भी हमें दो लेने पड़ेंगे लेकिन अब मुझे ये पता है कि जो के की वैल्यू है उतनी बारी ही मेरा स्टार प्रिंट होना चाहिए ठीक है और उतनी बार प्रिंट हो जाए तो फिर अगली बार नेक्स्ट लाइन में आ जाए ठीक है तो मैंने ये लिखा फॉर जे इन से प्लस वन मतलब के चलेगा? और मैंने बोला कि से k डाल रखा है तो जैसे मान लो के वैल्यू वन हुई तो जे के अंदर क्या जाएगा देखो पहले के की वैल्यू वन हुई अब वो अपने अंदर जाएगा वहां उसको मिला जे इन रेंज वन से प्लस वन

अब J को कोई वैल्यू मिली नहीं मिली क्योंकि J को कोई वैल्यू नहीं मिली तो ये लूप एग्जीक्यूट खत्म यहाँ तक खत्म ये नए लाइन में नहीं जाएगा अब ये कहा जाएगा नेक्स्ट लाइन में जो कि सेम इस इसके सेम लेवल पे है यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट स्लैश एन स्लैश एन कौन सा होता है आपका न्यू लाइन ऑपरेटर न्यू लाइन ऑपरेटर का मतलब एंटर तो मतलब इसने बोला अगली लाइन में आ जा तो अब कर्सर कहाँ आ गया इधर आ गया इसके बाद अब कहा जाओगे वापस क्योंकि लूप के के पास तो इतनी सारी वैल्यूज अभी हम एक पे ही चले हैं अब उसके पास आया टू जैसे ही के की वैल्यू टू हुई तो वो अंदर गया अंदर जाने के बाद फॉर जे इन वन कॉमा के प्लस वन तो जे क्या बन रहा है फॉर जे इन वन कॉमा टू प्लस वन इज थ्री तो ये होते ही जे की वैल्यू क्या बन गई वन और टू तो अब यहाँ पे टू वैल्यूज आ रही है एक वन आ रही है एक टू आ रही है अब यहाँ भी लिस्ट बड़ी तो पहले जे में कौन जाएगा वन जाएगा जे में वन गया उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में आया नेक्स्ट लाइन में आते क्योंकि देखो तो इसको एक वैल्यू मिल गई तो अपने अंदर जाएगा अंदर जाती इसको मिल रहा है स्पेस दे दो इसने स्पेस दे दिया वापस गया वापस गया तो इसको अब जे की वैल्यू क्या मिली टू टू मिलते ही वापिस अंदर आया इसको फिर मिल गया स्टार तो इसने यहाँ स्टार प्रिंट करा दिया फिर इसने बोला स्पेस दे दे इसने स्पेस दे दिया फिर ऊपर गया अब इसको जे की कोई वैल्यू नहीं मिली तो ये बाहर आ गया बाहर आके इसको मिला एंटर कर दे एंटर करते यहां पहुंच गया फिर गया ऊपर क्या के की कोई वैल्यू है है अब के की वैल्यू है थ्री थ्री आते ही वो नीचे चला गया नीचे आते वन कॉमा थ्री मिला वन कॉमा थ्री का मतलब नेक्स्ट तो वैल्यू उसको गई ना फोर सॉरी नेक्स्ट वैल्यू उसको गई फोर तो फोर पे उसको मिली वन टू थ्री ठीक है वन टू थ्री पे जब जाएगा तो पहली बार आएगा तो वन पे एक स्टार टू पे एक स्टार थ्री पे एक स्टार और फिर नीचे आ जाएगा एंटर पे इसी ढंग से आपका ये लूप चलता रहेगा कब तक चलेगा जब तक इसकी वैल्यू सिक्स नहीं हो जाती लास्ट इटरेशन कर लेते हैं के की वैल्यू मान लो सिक्स गई के की वैल्यू सिक्स पे अंदर जाएगा वन कॉमा सिक्स प्लस वन सेवन हुआ तो तो इसने वन से सिक्स तक बना लिया अब क्या होगा छ बार स्टार प्रिंट होगा एक दो तीन चार पांच छ जब ऊपर जाएगा छ के बाद कुछ नहीं मिलेगा तो ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी नीचे जाएगा एंटर पे आ जाएगा एंटर आने के बाद ऊपर जाएगा छ के बाद तो ऊपर भी कुछ नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है तो फिर आपका जो कोड है क्योंकि इस लेवल पे अब कोई कोड नहीं है तो यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन क्या होगा स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे आपकी इटरेशन स्टॉप हो जाएगी ठीक है मैं एक बार और समझा देती हूँ हमने क्या करना है हमने दो लूप लेने है। एक हम क्योंकि हमें पता है कि जो मेरा के की वैल्यू बन रही है ठीक है जो मेरे के की वैल्यू बन रही है यहाँ पे वही वैल्यू मेरे को स्टार की प्रिंट करानी है तो मैं इसी वजह से जो मेरा लूप है उसको के प्लस वन तक चला रही हूं और यहां मैं बोल रही हूँ कि क्या करो प्रिंट कर दो एक तो स्टार को प्रिंट करते रहो और उसके साथ एंड करते रहो स्पेस से क्योंकि जब मल्टीपल आएंगे तो मेरे को स्पेस दिखाना पड़ेगा जब ये लूप खत्म हो जाए तो मैं चाहूंगी कि भैया नेक्स्ट लाइन में आते रहो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश एंड डाला हुआ है और जब यही लूप खत्म हो जाए तो मैं चाह रही हूँ कुछ भी ना हो मेरा प्रोग्राम ही एंड हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे आप कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी ठीक है तो अब इस कोड को रन करके देखते हैं सबसे पहले हम कोई भी नंबर लेंगे जो हम इनपुट करा सके इनपुट दी नंबर ऑफ लाइंस उसके बाद मैं एक के वेरिएबल ले रही हूँ फॉर के इन रेंज और फिर मैंने क्या लिया जे ले लिया देखो, जो आप एंड के अंदर डालोगे ना डबल कोड्स में आपको स्पेस डालना जरूरी है नहीं तो आपके स्टार, जो स्टार जो प्रिंट प्रिंट होंगे होंगे। ना, नहीं तो वो चिपके हुए ठीक है तो इसको रन करके देखते हैं। मैंने सिक्स ही ले ली मान लो तो फाइव तक का स्टार प्रिंट होगा अब मान लो मैं ऐसे लिख देती कोड को थोड़ा सा स्कोड को हम चेंज कर लेते हैं अगर मैं नेस्टेड फॉर लूप ना लूं तो देखो मैं आपको बोल रही थी ना वो सेम लाइन में आएंगे तो वो ये चीज हो जाएगी तो फिर वो फंडा नहीं चलता है चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है डियर वाइल लूप लूप क्या होता है आपका टाइप ऑफ लूप है जैसे आपका फॉर लूप है लेकिन फॉर लूप के केस में आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको पता हो आपको कितनी बार काम करना है वाइल्ड loop के केस में ऐसे नहीं होता है वाइल्ड loop के केस में आपको नहीं पता होगा कि आपको वो टास्क कितनी बार कराना है रन टाइम पे आपको यूजर बताएगा कि आपको वो काम करना है या नहीं करना तो पहले वाइल्ड loop का भी एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे सिखाऊंगी उसके बाद हम इस पे चलेंगे ठीक है जैसे मैं कोड लिख रही हूँ अगर मान लो मेरे को एक प्रोग्राम लिखना है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर विद इन अरे मैंने वेरिएबल लिया काउंटर और मैंने उसको वैल्यू दे दी वन जीरो वन फिर मैंने लिखा वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल टू वन जीरो फाइव प्रिंट करो काउंटर एंड काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन इस कोड को समझते हैं मैंने क्या बोला मैंने कहा कि कुछ रेंज में मुझे numbers प्रिंट कराने हैं मैंने रेंज अभी पूछी नहीं है मैंने मान लिया कि मेरे को 105 से 101 से लेके कुछ 105 सौ समथिंग तक अपना कुछ प्रिंट कराना है इस रेंज का डेटा अगर मुझे प्रिंट कराना है मैं कैसे करा सकती हूँ तो पहले मैं एक वेरिएबल लूंगी उसमें मैं अपनी स्टार्टिंग वैल्यू डाल लूंगी ठीक है इतना तो समझदारा होगा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना है While loop का syntax क्या बोलता है? पहले आप लिखोगे वाइल वाइल लिखने के बाद आप लिखोगे कंडीशन कंडीशन लिखने के बाद आप लिखोगे कॉलन ठीक है कॉलन लिखने के बाद आप उसकी स्टेटमेंट्स लिखोगे आप जो भी उससे काम कराना चाहते हो अब वाइल का मतलब होता है जब तक हिंदी थोड़ी सी करें तो वाइल वाइल uh, ये चीज हो रही है क्योंकि वाइल का अगेन कंडीशन को टेस्ट कर रहा है ना तो जब तक ये चीज हो रही है तब तक ये करता रहे है. तो हम क्या करते हैं जो मर्जी स्टेटमेंट हमको लिखनी है लिख दो लेकिन इस कंडीशन को फॉल्स भी करना पड़ेगा नहीं तो ये चलता ही जाएगा ठीक है तो इसको फॉल्स करने के लिए ना हम कुछ यहाँ पे जो हम कंडीशन लगाते हैं जिस भी वेरिएबल के ऊपर है ना तो उस वेरिएबल को हमेशा हम इटरेट करते हैं मतलब उसको बढ़ाते रहते हैं अभी ये मैं क्या बोल रही हूँ मैं लास्ट में समझाऊंगी पर अभी मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि हम यहाँ इटरेशन करते हैं जैसे फॉर लूप आपका चलता रहता है ना फॉर लूप आपका से लेके तक चल रहा है तो लूपर फाइव फिर खत्म हो जाएगा ऐसा तो नहीं कि पे ही अटक गया ठीक है वो शुरू होगा फिर अगले 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 स्टेप पे जाएगा तो ऐसे ही आपने वाइल स्टार्ट करा कोई कंडीशन डाली तो वो जो कंडीशन है आगे उस पर इटरेशन लगना चाहिए तो जैसे मैंने यहाँ क्या किया एक वेरिएबल लिया उसके ऊपर मैंने एक वैल्यू डाल दी अब मैंने कंडीशन दी कि जब तक इस वेरिएबल की वैल्यू 105 से कम है तब तक तो इसको प्रिंट कराते रहो ठीक है लेकिन अब अब जो ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू 101 है खुद तो ये बढ़ेगा नहीं तो अगर मेरे को इस लूप को खत्म करना है 105 पे मतलब अगर मैं चाह रही हूं कि ऐसे प्रिंट हो जाए तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा एक काम और वो काम क्या होगा कि 101 के बाद इसको एक 102 हो फिर 103 हो फिर 104 हो फिर 105 हो मतलब इनमें इटरेशंस हो तो वो इटरेशन आपकी कौन करेगा वो ये स्टेटमेंट करेगी ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो काउंटर वेरिएबल है हर इसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ती जाए तो अगर हम यहाँ देखें, तो यहाँ पे होने क्या वाला है यहाँ पे इनिशियली होने क्या वाला है जैसे यहाँ काउंटर की वैल्यू वन जीरो वन है ये चेक करेगा क्या वन काउंटर वन जीरो फाइव से छोटा है ये yes. तो 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 मैंने इसको प्रिंट करा दिया यहां ये प्रिंट हो गया फिर नीचे जाके क्या हुआ हुआ तो की value 101 है उसमें वो 102, अब, ये वापिस जाएगा, अब जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती ये बार बार ऊपर जाएगा तो काउंटर की वैल्यू अब ये चेक करेगा क्या वन जीरो टू लेस देन दिस है है तो इसको प्रिंट कर दो प्रिंट होने के बाद नीचे ये फिर से इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी अब क्या होगा में ऐड होगा तो वो फोर तो है? है, है तो तो हो गया ऊपर गया क्या वन जीरो फोर लेस है तो इसको प्रिंट करा दो और इसको इंक्रीज किया तो ये वन जीरो फाइव बन गया अब क्या वन जीरो फाइव लेस देन इक्वल टू वन जीरो फाइव है क्योंकि इक्वल तो है तो इसको प्रिंट करा दो और वैल्यू को इंक्रीज कर दो अब काउंटर की वेरिएबल क्या होगी, वैल्यू क्या होगी 106 अब जब वो ऊपर गया तो वो चेक करेगा क्या 106 लेस देन इक्वल टू 105 है आंसर इज नो जैसे ही नो no हुआ कंडीशन फॉल्स हुई उसी टाइम इस लूप से आप बाहर आ जाओगे तो बस आपके पास 101 102 103 104 105 आउटपुट में आएगा और आप लूप से बाहर आ जाओगे उसके बाद ठीक है तो इसको अब हम रन करके देखते हैं प्रोग्राम को कोलन इसके बाद लगाना है हर इफ वाइल फॉर सबके बाद हम uh, वो लगता है कॉलन लगता है तब इंडेंटेशन आएगी नहीं तो इंडेंटेशन नहीं आएगी आ गया अब मान लो मैं सेम क्वेश्चन कर दूं लेकिन मैं काउंटर को ना बढ़ाऊं जो मैं आपको बोल रही थी कि हम इसको बढ़ाएंगे 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 तो मान लो मैं इसको नहीं बढ़ाती नहीं बढ़ाऊंगी तो ये वन जीरोगा वन जीरो कंडीशन तो, तो हमेशा ही ट्रू होगी तो देखते हैं उस केस में क्या होता है है अब ये 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 देखो खत्म नहीं हो रहा इनफाइनाइट लूप आप इसको बढ़ाते जाओ ये कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि कंडीशन तो हमेशा ही ट्रू रहेगी ना तो इसलिए दिस इज योर इनफाइनाइट लूप तो कभी भी आप किसी भी कोड को इनफाइनाइट लूप में ना लें ठीक है हम आगे चलते हैं तो अब हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल यूज होता गया वाइल स्टेटमेंट का तो नॉर्मली ये ना यूजर से ये पूछने के लिए कि तुम कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते ये उसमें बड़ा काम आता है तो जैसे अगर आपको कोई बिल अमाउंट कंप्यूट करनी है हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम बिल की अमाउंट को कंप्यूट करना चाहते हैं तो जैसे वो प्रोडक्ट्स खरीद रहा था जैसे जैसे वो प्रोडक्ट्स खरीद रहा था ना वो अपनी अमाउंट बता रहा था क्या हो रहा था जैसे ये देखो मैंने क्या लिया अमाउंट एक वेरिएबल लिया जो अभी जीरो मैंने क्या ले लिया? ले लिया लिया मैंने उसको बोला मैंने क्या बोला कि जब तक चॉइस जो है ना वो किसके बराबर रहेगी यस के अच्छा मेरा पीसी तो हैंग होने लग गया है भी क्योंकि इनफाइनाइट लूप है तो मैं इसको जरा वो कर एक मिनट मैं इसको जरा बंद करूं मेरा पीसी हैंग हो रहा है हम क्या कर रहे थे हम जो कर रहे थे ना वो अपना आ, हम ये कर रहे थे कि हम ना यूजर से पूछने वाले हैं हम बिल निकाल रहे हैं तो बिल कैसे बनता है आपका बिल आपका बनता है कि जैसे आप उससे प्राइस पूछ लोगे आप उससे क्वांटिटी पूछ लोगे और फिर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ठीक है और फिर आप क्या करते रहोगे जो अमाउंट मान लो वो उससे फिर आप दोबारा पूछोगे मान लो उसको उसको दोबारा शॉपिंग करनी है एकदम से और कोई प्रोडक्ट याद आ गया तो आप उससे पूछोगे अच्छा दूसरे वाला प्रोडक्ट भी भी चाहिए वो बोलेगा हाँ, तो चलो आप उसको ऐड कर दोगे हो सकता है वो कोई एक प्रोडक्ट तीन ले ले चार ले ले चार फिर दूसरा प्रोडक्ट दो ले ले तो उस ढंग से आप हर एक अमाउंट को इंक्रीज करते रहोगे ठीक है तो ये जो मैं क्या कर रही हूँ सबसे पहले अमाउंट को जीरो ले रखा है कि इनिशियली तो कुछ होगा ही नहीं फिर आपने चॉइस ले लिया की हाँ भाई लेना या नहीं लेना फिर आपने बोला की जब तक चॉइस जो है यस रहे जब तक यूजर हाँ कहे हम उससे पूछ रहे हैं तब तक क्या हो आप उससे प्राइस ले लो आपने उससे क्वांटिटी भी एंटर करवा ली अब आप क्या चाह रहे हो अमाउंट तो अमाउंट क्या होगा जो आपकी प्राइस है ठीक है उसको जब हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे ठीक है आपने उससे पूछा प्राइस बताओ और ये बताओ तुमने वो चीज कितनी बार दी थी? ठीक है उसने मल्टीप्लाई कर दिया और जो पिछले अमाउंट की वैल्यू थी वो उसमें ऐड कर दी यही होगा ना और उसके बाद वो पूछेगा कि भैया डू यू विश टू कंटिन्यू चॉइस वेरिएबल में हम वैल्यू डाल रहे हैं और लास्ट में जो भी अमाउंट है हम उसको प्रिंट करा रहे हैं अब देखो हमने सबसे पहले क्या किया हमने अमाउंट को जीरो रखा चॉइस भी हमने जीरो रखी फिर हमने बोला सॉरी चॉइस हमने यस yes रखी इनिशियली ऊपर जाएगा पूछे देखेगा क्या चॉइस और यस yes बराबर है हाँ है है तो वो आपको बोलेगा प्राइस बताओ क्वांटिटी बताओ फिर वो कैलकुलेशन करेगा कि प्राइस इनटू क्वांटिटी की मान लो सौ रुपए की आपने चार चीज खरीदी हो गया चार सौ रुपये आ गया चार सौ प्लस जीरो अमाउंट में चार सौ चला गया अब वो पूछेगा कुछ और खरीदना है तो मान लो आपने बोला हाँ हाँ ये वाली चीज भी खरीदनी है तो बोलेगा कितनी चाहिए कितना आई उसको करता ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक अब वो नो नहीं लिखता क्योंकि जब वो नो लिख देगा तो नो और यस तो बराबर नहीं हो पाएंगे क्योंकि कंपेरिजन ऑपरेटर है जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो जो भी आपकी अमाउंट बनी होगी वो आपको वो दे देगा इसको रन करके देखते हैं तो जैसे उसने

Uh, अच्छा मैंने ना एक नई वो बना ली है नोटबुक मुझे न्यू बना दी है तो कॉपी पेस्ट, हाँ तो पेस्ट में वो कुछ नहीं आता है तो ये कॉपी पेस्ट कोड है तो अगर मैंने अब इसको रन किया तो वो मुझसे पूछ रहा है भैया प्राइस बताओ तो मान लो मैंने प्राइस दे दी तीन सौ रुपया ठीक है उसके बाद वो मुझसे मांग है क्वांटिटी मैंने से दे दी टू तो उसने मुझे अभी आंसर नहीं दिया अभी वो मुझसे पूछेगा करना है कॉन्टिन्यू या नहीं मान लो मैंने बोल दिया हाँ करना है एक और चीज खरीदनी है मान लो मैंने बोल दिया कि वो दो सौ रुपए की है लेकिन अब वो एक चीज में ले लू तो अब वो मुझसे पूछेगा मैं लिखती हूँ मान लो नो no. तो नो no लिखते उसने मुझे देखो थ्री टू दिक्स है ना प्लस सेवन एट तो एट हंड्रेड उसने मुझे दिखा दिया तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हो जो वाइल्ड लूप का सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना वो आपका इसी चीज में होता है कि आप जो है ये कंटिन्यू करवाना चाहते हो कुछ स्टेटमेंट्स को या नहीं करवाना चाहते ठीक है थीके? अब जो मैं प्रोग्राम करवा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है इसमें आपको है सम ऑफ डिजिट नंबर निकालना तो इसका एक मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ फिर हम चलेंगे देखो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर में क्या होता है जैसे मेरे पास एक नंबर है ये टू सेवन थ्री मैंने बोला मैं ये चाह रही हूँ टू प्लस सेवन प्लस थ्री तो मैं आपको शॉर्ट में इसका ट्रिक बता रही हूं आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना आप उस नंबर को कहोगे कि टेन से डिवाइड करो जरूरी है टेन से डिवाइड करना तो टेन टू द ट्वेंटी और टेन सेवन द सेवेंटी आप देखना जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो डिनोमिनेटर देगा ना डिनोमिनेटर किससे देगा ऑपरेटर से वो हमेशा आपको ये वाली डिजिट दे, दे देगा ठीक है अब और जो ये होगा जो डिवी जो आपका डिवाइड करने से आपके पास आया होगा ना नंबर वो ऊपर वाला फ्लोर डिवीजन हम इंटीग्रल डिवीजन नहीं कर रहे हम फ्लोर डिवीजन कर रहे

तो यहाँ पे क्या आया फिर से डिनोमिनेटर में पहला नंबर आ गया तो डिजिट निकालने आई हमने क्या करना है नंबर को 10 से डिवाइड करना है जब भी 10 से डिवाइड करोगे तो जो जो डिनोमिनेटर होगा ना वो आपको डिजिट्स देता जाएगा और आपका न्यूमिनेटर होगा सॉरी जो डिनोमिनेटर नहीं बोल रही सॉरी जो रिमाइंडर है वो आपको डिजिट देता जाएगा और जो क्वेश्चन है, है आपका वो आपको क्या देता जाएगा वो नंबर जिससे आपको नेक्स्ट टाइम डिवाइड करना है तो बस हमको यही प्रोसेस फॉलो करना है लेकिन ये करना कि इसमें हमको लूप में तो अब हम इसका कोड बना लेते हैं तो जैसे मैंने आपसे कोई नंबर लिया तो मैं ये लिख रही हूँ जब तक सम की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी है सॉरी नम की वैल्यू जब भी जब भी नम की वैल्यू जीरो से बड़ी है जब तक तब तक तब क्या हो क्योंकि लूप हमें बार बार ये काम करवाना है तो ये कब तक करवाना है जब तक मेरा नंबर जीरो से बड़ा है ठीक है मैं क्या बोल रही हूँ कि जो रिमाइंडर है मेरे को रिमाइंडर चाहिए था ना मैं सबसे पहले क्या करूंगी मैं उस नंबर को डिवाइड करूंगी टेन्थ से तो उसका जो रिमाइंडर आए

क्या हुआ था टेन से क्वेश्चन डिवाइड होके आ रहा था तो नम को जब क्वेश्चन डिवाइड कर रहे थे तब यही आ रहा था ना ट्वेंटी सेवन और फिर टू बच गया था तो वो इधर आता रहे तो बस ऐसे होके आपका कि जब तक ऊपर वाला नम जीरो नहीं हो जाएगा जब क्वेश्चन जीरो हो जाएगा लास्ट में तो ये चलना बंद हो जाएगा यही कर रहे थे ना जब तक क्वेश्चन जीरो नहीं था तब तक तो हम डिवीजन और मॉड्युलस दोनों लगा रहे थे जैसे ही क्वेश्चन जीरो हुआ फिर हमने काम करना बंद कर दिया था इस पे तो बस लास्ट में आपको क्या चाहिए सम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास तो बस यहाँ प्रिंट करा दो तो मान लो मैंने नंबर डाला वन टू थ्री तो थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस वन सिक्स तो आउटपुट आ गया सिक्स आपके पास ठीक है इसके बाद अब हम यहाँ तक तो हमने वाइल लूप समझ लिया फॉर लूप का नेस्टेड पार्ट समझ लिया अब हम क्या करेंगे मैंने आपको नेक्स्ट चीज ये बोली थी कि हम नेस्टिंग ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स करेंगे हम क्या सीखेंगे नेस्टिंग ऑफ एंड लूप समझेंगे इसका मतलब क्या है कि आप एक स्टेटमेंट के अंदर लूप भी डाल सकते हो और इफ कंडीशन भी डाल सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि इफ का क्वेश्चन है तो उसमें लूप नहीं चलेगा लूप का क्वेश्चन है तो इसमें वो इफ नहीं आएगी ऐसा कुछ नहीं है तो जैसे हम पहला जो केस करेंगे उसके अंदर हम करेंगे फॉर लूप हो और इफ कंडीशन हो ठीक है तो हम अगर मान लो प्रोग्राम चाह रहे हैं फॉर प्रिंटिंग इवन और नंबर्स डिपेंडिंग ऑन यूजर चॉइस मतलब यूजर बताएगा कि उसको ऑड नंबर चाहिए या उसको इवन नंबर चाहिए ठीक है तो सबसे पहले तो हम यूजर से चॉइस पूछेंगे कि उसको क्या चाहिए ऑड चाहिए या इवन चाहिए मैंने बोला वन फॉर ऑड टू फॉर इवन उसके बाद मैं ये बोलती हूँ कि अगर मेरी जो चॉइस की वैल्यू है वो वन के बराबर है मतलब मैं ऑड नंबर चाह रही हूँ तो उस केस में एक हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि नंबर्स आ रहे हैं अब ऑर्ड नंबर सारे तो प्रिंट नहीं हो सकते वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा मान लो मैं कोई रेंज दे दूं तो मान लो एक मैं क्या बनाती हूँ अपना ये बनाती हूं, range, और मैं देती हूं कि 10 से 21 तक मुझे क्या चाहिए और चाहिए मैंने आपको कल ही सिखाया था इसमें कि ऑड नंबर्स के लिए अगर पहला पोर्शन इवन हो फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू इवन हो और आप टू का स्टेप दे दें तो वो जैसे टेन प्लस टू तो वो आपको क्या देगा आपको वो ऑर्ड नंबर देगा जैसे मैं ये करा रही हूं ठीक है थीक्या? और अगर मान लो मैं चाह रही हूं एलिफ अब मान लो मैं ये चाह रही हूं कि अगर उसने चॉइस टू दी नहीं तो क्या हो एल्स केस में हम चाह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा इनवैलिड ऑप्शन तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे ना यहाँ पे हम इलेवन कर तो जैसे मैंने क्या किया मैंने आ, मैंने क्या लिखा हुआ है आप अपनी चॉइस दोगे वन फॉर ऑड एंड टू फॉर इवन मैंने जैसे बोला कि अगर चॉइस वन हो तो क्या करे और, आर प्रिंट हो और साथ में फॉर के इन रेंज इलेवन से तो 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 ट्वेंटी उसको तो लेगा नहीं अगर उसने चॉइस दे दी टू तो फिर इवन नंबर टू फोर सिक्स एट टेन टेन के बाद इलेवन तो आएगा नहीं और अगर मान लो इनमें से कोई भी चॉइस नहीं देती तो क्या आएगा इनवैलिड ऑप्शन तो आप ये देखो आप जो चॉइस लोगे उस चॉइस की कंडीशन चेक होगी बेस्ड ऑन दैट कंडीशन फिर उसके अंदर आपने लूप लगा रखा है तो आपका वो लूप एग्जीक्यूट होगा तो मेरा पॉइंट ये है कि आप इनको आपस में क्या कर सकते हो अच्छा यहाँ पे गलती से ठीक है तो मान लो मैंने वन चॉइस दी है इलेवन थर्टीन है। अब ये क्या था कि इफ के अंदर आपने फॉर लूप डाला आप ये भी कर सकते हो कि आप फॉर लूप के अंदर इफ डालो जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देती हूँ हमारा क्वेश्चन क्या है मैं पहले वो लिख देती हूँ मतलब हम करने क्या वाले हैं हम आ, प्रोग्राम निका, हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा हम लेंथ निकालेंगे किसी भी स्ट्रिंग की और हम इग्नोर कर देंगे स्पेसिस को ठीक है तो सबसे पहले तो हम स्ट्रिंग लेंगे तो मैंने मान लो इनपुट कराई स्ट्रिंग ठीक है उसके बाद क्योंकि मुझे जो भी काउंटिंग करनी है तो उसका आंसर किसी वेरिएबल में जाना चाहिए तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया काउंट जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया है जीरो से ठीक है उसके बाद अब मैं क्या लिख रही हूँ अब मैं लूप चलाऊंगी क्योंकि देखो मुझे हर मान लो मैंने स्ट्रिंग दी इंडिया इज ग्रेट तो इंडिया इज ग्रेट ने पहले आई पे जाएगा क्योंकि इसको काउंटिंग करनी है तो आई एन डी आई ए वो ऐसे करके एक एक करके जाता रहेगा ना तभी तो काउंटिंग करेगा जैसे देखो इंडिया इज ग्रेट में वो क्या करेगा पहले आई को काउंट करेगा वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर five. फिर उसको ये space मिलेगा इसको वो काउंट नहीं करेगा क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है फिर इधर आएगा सिक्स सेवन इसको काउंट नहीं करेगा एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो उसके पास आंसर क्या आना चाहिए ट्वेल्व आना चाहिए ठीक है तो बस ऐसे ही हमने कंप्यूटर से काउंटिंग करानी है तो इसका मतलब उसको हर एक लेटर के पास तो जाना पड़ेगा जिस लेटर के पास जाएगा मतलब उसकी वैल्यू उठाता रहेगा और इस तो हम अगर ये एक लूप चला दें कि भैया फॉर लेटर इन स्ट्रिंग लेटर कुछ भी लिख सकते हो फॉर ए इन स्ट्रिंग फॉर बी इन स्ट्रिंग मतलब जो भी स्ट्रिंग आपने उसमें इनपुट कराई वो क्या करे स्ट्रिंग जो इतनी लंबी स्ट्रिंग है उसके लेटर क्या करेगा जब मैं लेटर इन स्ट्रिंग लिखती हूँ तो जो इतनी बड़ी स्ट्रिंग होती है उसका पहला अक्षर पहले लेटर के अंदर जाएगा फिर दूसरा जाएगा फिर तीसरा जाएगा ऐसे ही जाएगा ना इसका तो मैं ये लिख रही हूँ फॉर लेटर इन स्ट्रिंग इफ अगर आपका लेटर जो है वो क्या है स्पेस है अगर वो स्पेस है नहीं हम क्या चाह रहे हैं कि वो Uh, हम तो ये चाह रहे हैं ना काउंटिंग करना तो हम बोल रहे हैं कि अगर वो स्पेस नहीं है स्पेस है फिर तो कुछ नहीं नहीं पाएगा अगर वो स्पेस है तो क्या हो काउंट हमारा बढ़ जाए मतलब उसको काउंटिंग में गिन ले ठीक है ऐसे वो चलता रहेगा जब स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी तो फॉर लूप खत्म हो जाएगा और जब वो काउंटिंग हो जाए तो लास्ट में मुझे काउंट जो है वो प्रिंट करा दो ठीक है तो हमने अकाउंट को प्रिंट करा दिया तो जैसे मैंने लिख दिया जब मैं आपको बोल रही थी ठीक है, तो ट्वेल्व आ गया आपका अकाउंट तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप लूप यूज कर सकते हो नेस्टेड फॉर लूप यूज कर सकते हो और कैसे आप फॉर और मिक्सचर बना सकते हो चाहे उसको उसके अंदर ले लो नहीं तो ठीक है और ऐसे ही क्लास आप लूप के अंदर यूज़ कर सकते हो और इफ वाइल फॉर ये सब भी आप आपस में यूज कर सकते हो तो आई होप आपको हिंट मिल गया होगा कि किसी के अंदर भी हम किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं ऐसा हमारा हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो हैव अ नाइस डे बाय बाय